Assalamualaikum, good morning, good evening, greetings, media, skills coach की जानिब से नासिर मलिक आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट टाइम मास कम्युनिकेशन की टाइप्स और उसके बारे में पढ़ा था, आज हम उसी टाइप में से एक प्रिंट मीडिया एसेंस ऑफ जर्नलिज्म जिसे बोलते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और प्रिंट मीडिया को एहसास यानी कि बुनियाद कहते हैं जर्नलिज्म की, सहाफत की। जिक्र करेंगे न्यूज़पेपर का, मैगजीन का, इसमें फिर बुक्स आती हैं, नॉवेल्स आते हैं, पब्लिकेशंस आती हैं, ये तमाम प्रिंट मीडिया का हिस्सा है। हम पहले शुरू करते हैं बुक्स से, किताबें। इनको कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। जिसको मुताले का शौक़ होता है उसकी शख्सियत भी बहुत निखरी होती है। माजी में ये जो इलियट क्लास होती थी, उमरा, वो इंजॉय करते थे। माजी में ये हैंड रिटन होती थी। दिस इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव मीडिया। ये एक बहुत ही खूबसूरत टूल है एजुकेशन का, यानी कि सोर्स ऑफ एजुकेशन जो आपको बुक्स की शक्ल में आज भी है, मगर आज आपको और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ दस्तयाब हैं। फिर ये ओल्डेस्ट हिस्ट्री अगर आप देखें तो बुक्स की शक्ल में ही मिलेगी, और उसमें भी जो नॉलेज को रिकॉर्ड रखने की जो सलाहियत थी वो बुक्स थी। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड था, नॉलेज को महफूज करके, हिस्ट्री को महफूज इसमें रख सकते थे और रखते हैं। ट्रेडिशनल जितनी सोसाइटीज़ हैं उनको आपस में मिलाती है, बाइंड करती है, ये इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। आजकल तो ऑनलाइन में भी आपको स्टोरेज है, मगर किताब जो है उसकी हैसियत अब भी जो प्रिंट मीडिया में संगे मील की हैसियत रखती है। बहुत सारी इसकी किस्में हैं, मगर पेपरबैक बुक्स, ट्रेड बुक्स और टेक्स्ट बुक जो हम स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, प्रोफेशनल बुक्स जैसे लॉज की बुक्स हो गई, आपकी मीडिया की बुक्स हैं, इस तरह की, तो ये इसकी एग्ज़ाम है। मैगज़ीन जो है इट इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, बिल्कुल सेम न्यूज़पेपर की तरह। इसकी बहुत अहमियत है, बहुत सारे मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे। बर्थ ऑफ जर्नलिज्म इन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, जर्नलिज्म यानी कि सहाफत है वो मैगज़ीन के थ्रू ही पहले हुआ। हिकरी गेजेट, जामे जहानमा, ये वीकली मैगज़ीन्स थे जिनसे इसकी सहाफत की इब्तदा हुई। ये वीकली मैगज़ीन्स भी होते हैं, 15 रोज़ा, फोर्टनाइटली, मंथली और बाई मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, बाई एनुअली भी हैं। फुल ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन इसमें होती है। और अगर आपको पुराने कोई भी मैगज़ीन्स अगर तलाश करें और मिले तो उसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल होती थी। हम अगर इन मैगज़ीन्स के फंक्शंस के हवाले से बात करें भी बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह ही, थोड़ा सा इनका फ़र्क है क्योंकि वीकली मंथली होते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ज़्यादातर ये हार्ड न्यूज़ इसमें ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी सॉफ्ट न्यूज़ होती हैं। आप समझ लें कि इसमें इंफोटेनमेंट जो आजकल का एक वर्ड है यूज़ होता है, इसमें इंफॉर्मेशन भी होती है और इन डेप्थ स्टोरीज़ होती हैं। इसीलिए इसके जो कायरीन होते हैं पहले ज़माने में वेट करते थे कि मैगज़ीन आए तो उसमें जो स्टोरीज़ हैं, जो किस्तवार स्टोरीज़ हैं, उनको वो पढ़ें और इन्जॉय करें। पॉलिटिक्स के बारे में भी बात की जाती है, क्राइम के हवाले से भी बात की जाती है, पर्सनैलिटीज़ के हवाले से भी बात की जाती है, और ऑफ कोर्स फैशन को खूबसूरत बनाने के लिए अब तो बहुत सारे खूबसूरत डिज़ाइन और फोटोग्राफ यूज़ किए जाते हैं। इसका एक और मकसद इंटरटेनमेंट, जैसे मैंने पहले उसका ज़िक्र किया, इसमें फीचर्स भी होते हैं और इसमें कॉमिक्स, कार्टून्स और स्पोर्ट्स का भी इसमें हिस्सा होता है,
और बाकायदा लोग फॉलो करते हैं, और स्पोर्ट्स के अलहदा ये जर्नलिज़म है, और शो बिज़ के जो हैं ख़बरें चटखारादार वो इसमें मिलती हैं। करंट अफेयर्स के हवाले से तफसीली इस पर ओपिनियन भी होता है और करंट अफेयर के बारे में बताया जाता है। इसके बाद इसका जो मकसद है वो है इश्तिहारबाजी, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। फैमिलीज़, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग ये पढ़ते हैं, तो इसी हवाले से जो एड्स, जो इश्तिहार आते हैं वो भी इसी हवाले से होते हैं, और जिसके ज़रिए रसाइल मैगज़ीन्स जो हैं वो सरवाइव करते हैं। जो इसका एक और मकसद है वो है कम्युनिटी स्टोरीज़। कम्युनिटी स्टोरीज़ और एडिटोरियल्स अदारिये, ये इसका बड़ा एक ख़ास हिस्सा रहे हैं। और पहले ज़माने में जो मैगज़ीन्स, इंटरनेट नहीं आया था, तो लोग बहुत दिलचस्पी से इसका इंतज़ार भी करते थे और इसकी जो कम्युनिटी की स्टोरीज़ हैं उनको इंजॉय करते थे और एडिटोरियल्स को भी बाकायदा पढ़ते थे। अब हम ज़िक्र करते हैं प्रिंट मीडिया के बादशाह, न्यूज़पेपर, या जिसको हम अखबार बोलते हैं अपनी ज़बान में, उसके हवाले से। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव मीडिया है ये, प्रिंट मीडिया में सरताज है। सबसे खूबसूरत ये मीडियम है, अब भी मुख्तलिफ ममालिक में ये न्यूज़पेपर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, और उसके ज़रिए आप हिस्ट्री के आज की बड़ी सुर्खी क्या थी, मेन हेडिंग क्या थी, और उन दिनों में क्या क्या वाक़यात हुए। ये फर्स्ट पब्लिश जो हुआ है ये जर्मनी में पब्लिश हुआ है, क्योंकि जब पहले रेडियो, टीवी, इंटरनेट नहीं था तो कम्युनिटीज़ में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल थी। ये बहुत सारी सर्विसेज ये लोगों को, कम्युनिटीज़ को, आवाम को ये न्यूज़पेपर देते थे। क्या इंफॉर्मेशन, ख़बरें, क्या हो रहा है, क्या हुआ, और एजुकेट करता था। अभी भी ये उसी तरह इम्पॉर्टेंट है। ये आप ना सोचें कि डिजिटल मीडिया की आने की वजह से इसकी अहमियत कम हो चुकी है। इसने अपने आप को, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने जिन्होंने चेंज मैनेजमेंट की, तो वो लोग अभी भी बड़े खूबसूरती से सरवाइव कर रहे हैं। पेपर्स अपने लाकर एजुकेशन देता है, एजुकेशन देता है, कल्चर के हवाले में इंफॉर्मेशन देता है, जो कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन्स हो रही होती हैं उसके हवाले से बात करता है, और बहुत सी ऐसी मुश्किल चीज़ें जो हो रही होती हैं तो उसका जायज़ा लेके, उसको इंटरप्रेट करके, करंट अफेयर के हवाले से, तजियों के हवाले से ये न्यूज़पेपर जो है ये पेश करता है। ये कोई इवेंट्स हों, खबरियत का हिस्सा रखते हों, इवेंट्स को दिखाता है, फिर बहुत सारे इश्यूज वाम की के मसाइल हैं उनको अहकाम बाला तक पहुँचाया जाता है, और इसी तरीके से आलमी ख़बरें या वर्ल्ड न्यूज़ जो हैं उसको भी अखबार के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया जाता है। एक मुल्क की दूसरे मुल्क तक ख़बरें भी ये पहुँचाई जाती हैं। फिर एसेज, वो चीज़ें जो आम फहम में नहीं होती हैं उनको उसका अच्छा सा तजिया बना के ये अखबार पेश करता है। फिर इसका जो सबसे अहम जो काम है वो है ओपिनियन बिल्डिंग, यानी कि राय आमा को हमवार करना। अखबार हमेशा से, क्योंकि ये रिकॉर्ड की शक्ल में भी होता है और आपके घरों में काफ़ी दिनों तक ये पड़ा रहता है और आप बार बार इसको पढ़ते हैं, तो एक तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो रिफ़्लेक्ट करता है। फिर नेशनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से ये बात करता है। फिर नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं
उनके हवाले से ये बात करता है, जो पॉलिसीज़ हैं रीजनल, नेशनल, अब तो लोकल लेवल की भी तक और इंटरनेशनल, उनके हवाले से भी डिस्कशंस होती हैं, एडिटोरियल्स हैं और ओपिनियंस के लोगों की जो खतूत उनके और कॉलमनिस्ट जो बड़े बड़े कॉलमनिस्ट हैं वो इस हवाले से जो हैं वो लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ये एजुकेशन का काम करता है और इंटरटेनमेंट भी करता है, लेकिन एजुकेशन ये स्पेशली जो इसके जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, जो स्टोरीज इसकी होती हैं, जो इंटरेस्ट जो लोगों के जहन में रख के वो जो मैगज़ीन के फीचर्स होते हैं उन पे बात की जाती है, कार्टून्स, आपको बहुत सारी अखबारों का आपको पता है कि हमारी बहुत सारी मशहूर अखबारें, बहुत सारे लोग कार्टून्स और उस पे जो एक नीचे लाइन लगी होती थी या जो उस मसाइल को उजागर कर रहे होते थे उसके ऊपर ये लोग ख़रीदते थे, मैगज़ीन की तरह और दूसरे मीडियम्स की तरह एडवर्टाइजमेंट यानी कि इश्तहारबाजी। पहले न्यूज़पेपर सर्व एज अ सर्विस एजेंट के तौर पे काम करता था और सेलर और बायर्स को एक जगह पे प्लेटफॉर्म मुहैया करता था और ये सेल ऑफ़ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, ये इस हवाले से एडवर्टाइजमेंट इसमें की जाती है। चौथे स्तून के तौर पे भी कहते हैं मुमलकत का, क्योंकि चौथा स्तून है वो इसलिए कि ये एक वॉच डॉग के तौर पे भी काम करता है, यानी कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र रखता है, वो पॉलिसीज़ जो जिनमें मसाइल हैं उनके हवाले से उसको उजागर भी करता है। ये एक फोरम प्रोवाइड करता है सबको, उसमें मिनॉरिटीज़ आ जाएं, उसमें ख़वातीन आ जाएं, उसमें माजूर, बच्चे, बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने तौर पे प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। ये एक रिकॉर्ड है इंफॉर्मेशन का, हिस्ट्री का, हर स्टोरीज़ का और सोर्स आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन का। ये तो हमने न्यूज़पेपर के हवाले से, न्यूज़पेपर एक अलहदा से दुनिया है सहाफ़त की, जिसमें बड़े नामी गरामी आपको कॉलमनिस्ट भी मिलेंगे, लिखने वाले, फीचर्स लिखने वाले। आगे हम जो बात करते हैं वो है पब्लिकेशंस, जितने भी हमने अकसाम बताई हैं इस इन पब्लिकेशंस में क्या चीज़ है, न्यूज़लेटर्स आते हैं इसमें, इसके अंदर ब्रोशर्स आते हैं, इसके अंदर फ्लायर्स आते हैं, पंफलेट्स आते हैं, तमाम को आप एक पब्लिकेशन उसके ज़ुमरे में हम लाते हैं। भी काम जो है वो इंफॉर्मेशन देना और अपडेट आपको रखना, वेरी इफ़ेक्टिव वे टू कन्वे योर मैसेज, और इसकी टारगेट ऑडियंस होती है। अपनी टारगेट ऑडियंस के हवाले से अगर एक इदारा आपका, आप ख़वातीन के हवाले से काम करते हैं तो आपकी जितनी भी खबरें और जितनी भी आप उसमें ट्रेनिंग से उस हवाले से जितनी भी खबरें देंगे वो ख़वातीन के हवाले से होंगी, तो ख़वातीन जो हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस होंगी। ब्रोशर कोई भेजते हैं और आपका कोई कारोबार है और आप अपनी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ब्रोशर में, फ्लायर में, या जो लीफलेट या पंफलेट जो है उसमें आप वो देंगे। आई होप कि आप को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ काइंडली इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें और जो बेल आइकॉन है उसको टिंग भी कर दें। अगले प्रोग्राम के साथ हम फिर हाजिर होंगे। मीडिया स्किल कोच नासिर मलिक।